हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आरएस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है, एक्सरसाइज है 2D। पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नाम है और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 8। और इस फैक्टर थ्योरम का जो है ना यहाँ पर इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको प्रूव करना है कि GX जो ये है, ये इसका फैक्टर है। क्लियर है? फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके आपने प्रूव करना है कि GX इजगल टू 3x-2, PX इजगल टू 3x³ प्लस x² माइनस 20x प्लस 12 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। क्लियर है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वैसे ही जैसे कि इससे पहले के कई सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं, आप वैसे ही इसको भी करेंगे। क्या होगा कि GX इजगल टू 3x-2 है, आप इसको जीरो के सामने पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x इजगल टू -2 है, जो कि उधर जा कर के प्लस का हो जाएगा और आपको मिलेगा x इजगल टू 2/3। इज दैट क्लियर? अब आप x px जो है वो जो दे रखा है वो लिखेंगे। px है 3x³ प्लस x² माइनस 20x प्लस 12, इसको नाम दिया 1। पुटिंग x इजगल टू 2/3 इन 1, x इजगल टू 2/3 है, ये आप इसमें पुट करेंगे तो p 2/3 इजगल टू हो जाएगा 3 2/3 की पावर 3, x की जगह पर 2/3 रख दिया, 2/3 की पावर 2, यहाँ पर भी x था, 2/3 रख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट में भी हम ऐसा ही करेंगे, प्लस में 12। अगर ये वैल्यू जीरो हो जाती है तो जो 2/3 हमें मिला है इससे ये फैक्टर प्रूव हो जाएगा इसका फैक्टर थ्योरम से। देखिए ज़रा, हम इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब 3 से ऐसा कुछ नहीं काटेंगे नीचे, 3 यहाँ से मिलेगा, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 मल्टीप्लाई 2 8, तो 8 मल्टीप्लाई में 3 24 हो गया। ठीक है, 24, 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 27 मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 27। ठीक, तो ये वाला सॉल्व कर दिया हमने। इसी तरीके से 2 की पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 4। क्लियर? 3 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई 3 9 माइनस 22 जार 40/3 प्लस 12/1। ओके, प्लस वाले यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, लेकिन इससे पहले आपको डेनोमिनेटर सबके बराबर करने होंगे, तो कुछ ना कुछ डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 27 9 3 और 1, इन सब का एलसीएम 1 है 27, जो कि इन चारों की टेबल पर आता है। इसलिए अगर आप चाहे भी तो आप इसका एलसीएम निकाल के देख लीजिए, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना, लोन डिविजन मेथड है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 27 बनता है, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 27 मिलेगा, तो ऊपर भी 9 से, इसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 27 बनेगा, तो ऊपर भी 27 से, 24/27 प्लस 4 3 12/27 माइनस 9 4 36, और ये 0 की 0 आ गई, 360/27 प्लस में 12 को 27 को मल्टीप्लाई करें, 12 7 84 4 8, 12 2 24 24 and 8 32, 12 7 84 4 8 12 2 24 24 8 32। ठीक है, आप इसे कॉलम वे से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, बाय 27। अब ये और ये तीनों के तीनों प्लस के हैं, तो इन तीनों को प्लस कर देंगे और हमें मिलेगा 24 12
एंड 324, 4 2 6 4 10 0 1 1 2 3 1 4 2 6 3 का 3 आ गया, 360 आ गया ये, 360 by 27, और ये माइनस का है 360 by 27, कट गया ये, आपको मिला 0। क्लियर है? बिकॉज पी 2 by 3 इजल टू 0, सो बाय फैक्टर थ्योरम टू बाय थ्री पुट करने पर ये 0 बन गया, और 2 by 3 हमें मिला था इससे से, तो इसलिए ये जी एक्स है, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जो यहाँ पर पी एक्स है। ठीक है, बात क्लियर हुई? हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अब आपने करना है वीडियो को लाइक, करना है चैनल को सब्सक्राइब, अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिएगा, शेयर करना अपने दोस्तों से ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट करना है, मैं आपको कह चुका हूँ, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।